हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसमें ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं विद आंसर के साथ, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। और यदि आप 80 में से 80 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से आप एक अंक के प्रश्न देख लें। इस प्रकार से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इस प्रकार से सबसे पहले प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, फिर इसके बाद नीचे इनके आंसर दिए गए हैं। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं और नीचे यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर भी दिए गए हैं। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से। नीचे यहाँ पर इन सभी रिक्त स्थान के आंसर भी दिए गए हैं। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर सत्य असत्य पूछे गए हैं इस प्रकार से, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें इस प्रकार से। इनके नीचे आंसर दिए गए हैं यहाँ पर इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर इसमें से जो है जो अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो भक्ति काल के दो कवि तथा एक एक इनकी आपको रचना याद करना है अच्छे से। तो पहला कवि जो होगा रामानंद होगा, इनकी रचना राम आरती होगी। इसके बाद यहाँ पर दूसरे कवि जो हो जाएंगे तुलसीदास और रामचरितमानस। तीसरा होगा जो कबीरदास, इनकी जो रचना है बीजक और सखी। यह क्वेश्चन जो है दो अंक में पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि रीतिकालीन के दो कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको कोई भी दो कवि और उनकी एक एक रचना अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से बहुत सारे कवि दिए गए हैं, जैसे बिहारी हैं तो इनकी रचना बिहारी सतसई हो जाएगी। दूसरा है केशवदास, तो इनकी रचना रामचंद्रिका हो जाएगी। तो कोई भी दो कवि और उनकी आपको एक एक रचना अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि प्रयोगवाद के दो कवि तथा उनकी रचना बताइए। तो इस प्रकार से प्रयोगवाद के कवि भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कि भक्ति काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए, अर्थात विशेषताएँ बताइए। इस प्रकार से दो अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आंसर होगा नाम का महत्व और गुरु का महत्व। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है छायावादी के दो कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए इस प्रकार से। तो कोई भी दो कवि आपको अच्छे से तैयार करना है, इनकी रचनाएं भी दी गई हैं। तो त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो यदि आप 80 में से 80 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है इस प्रकार से। इसके बाद दो दो अंक के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि मानव शरीर का निर्माण किन पांच तत्वों से हुआ है। तो इस प्रकार से पांच तत्वों के नाम दिए गए हैं। आंसर दिया गया है कि मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित पांच तत्वों में हुआ है, अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी और आकाश। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है इस प्रकार से कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया है कि मीरा जो है कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। उनका रूप मन को मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाली हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। दो अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है पथिक कविता में कवि का मन कहाँ विचरना चाहता है, यह भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान के बैलों की जोड़ी
कि यहाँ पर आपको कुर्की किसने और क्यों करवा दी। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन दो दो अंक में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री ने बच्चों और बड़ों के लिए क्या बचाना चाहती है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार से देख सकते हैं, 15वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि कवि ने जो है संसार को पागल क्यों कहा है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, अपने इस तथ्य पुष्टि के लिए उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें कि लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, इसको आपको अच्छे से तैयार करना। इस प्रकार से आंसर भी दिया गया है। इसके बाद जो है 3 अंक में यहाँ पर कवि परिचय पूछा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीराबाई का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए, 2 रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष। 3 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मीराबाई जी का आपको साहित्यिक परिचय अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले आपको इनकी 2 रचनाएं, इस प्रकार से जैसे यहाँ पर दूसरी रचना दी गई है, पहली रचना पदावली के नाम से संकलित है, दूसरी रचना जो है नर सीजो रो मोहरे, इस प्रकार से इन 2 रचनाओं को आपको तैयार करना है। भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, तो इस प्रकार से भाव पक्ष में यहाँ पर इनकी आपको भाषा शैली लिखना है और साहित्य में स्थान। इस प्रकार से मीराबाई का 100% 3 अंक में पूछा जाएगा, या फिर आप इसके जो अथवा में पूछा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र, तो आप भवानी प्रसाद मिश्र जी का यहाँ पर काव्यगत परिचय अच्छे से तैयार करें। सबसे पहले आपको इनकी 2 रचनाएँ, इनमें से कोई भी आप 2 रचनाएँ अच्छे से तैयार करें, और यहाँ पर इनकी काव्यगत विशेषता भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से काव्यगत विशेषताएं दी गई हैं, और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं साहित्य में स्थान दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो आपको मीराबाई और यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र, इन दोनों का आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, दोनों में से एक 100% पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इसमें से जो है 4 अंक में एक आपको पद्यांश दिया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। इस प्रकार से आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, तो उसकी आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करने को कहा जाएगा, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से पद्यांश दिया गया है, नीचे यहाँ पर इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या दी गई है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। संदर्भ दिया गया है, प्रसंग और नीचे व्याख्या दी गई है, तो इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से इसके बाद 3रा जो दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। इस प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर 6वें नंबर में भी दिया गया है, इसको भी आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। तो यह 4 अंक में एक पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर आरोह भाग गद्य खंड, इसमें से जो है कुल 17 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक अंक के 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पर 2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 अंक का 1 क्वेश्चन और 4 अंक का 1 क्वेश्चन, कुल 17 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लें। इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिए गए हैं, इस प्रकार से तो इनको आप अच्छे से पढ़ लें, और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी प्रश्नों के आंसर भी दिए गए हैं। तो आप वीडियो को रोक कर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए गए हैं, और लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 7 सप्त दिए गए हैं इस प्रकार से, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से लास्ट में इनके आंसर भी दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद 1 शब्द और 1 वाक्य में, एक तरफ 1 शब्द और 1 वाक्य में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इस अध्याय में से 2-2 अंक के अति लघु त्रिय प्रश्न, 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
तो यहाँ पर इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतेंदु युग के दो प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध लिखिए। इस प्रकार से आंसर दिया गया, भारतेंदु युग के कोई दो आपको निबंधकारों के नाम लिखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इस तरफ जो है सही जोड़ियां दी गई हैं, इस प्रकार से इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं सही जोड़ियों के आंसर भी दिए गए हैं, तो आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिए गए हैं, और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, रेखाचित्र एवं संस्मरण में अंतर, दो अंतर पूछे जाते हैं और दो अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर, सबसे ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर, तो इस प्रकार से आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो पूछा जाता है, कहानी तथा उपन्यास में अंतर, तो इनमें से जो है सबसे ज़्यादा दो अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे अंतर पूछा जाएगा, तो आप इन तीनों अंतर को अच्छे से तैयार करें। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर, और एकांकी और नाटक में अंतर। इस प्रकार से नाटक और एकांकी में अंतर पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दो अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बाद जो है तीन अंक में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कवि परिचय में, तो कवि परिचय में आपको जो है प्रेमचंद का अच्छे से तैयार कर लेना है। त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए, दो रचनाएँ, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से रचनाओं में से आप कोई भी दो रचना अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी रचनाएं दी गई हैं, तो इनमें से आपको इनकी कोई भी दो रचनाएं अच्छे से तैयार करना है, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से रचनाएं दी गई हैं। इसके बाद साहित्यिक विशेषताओं में इस प्रकार से इनकी भाषा शैली आपको इस प्रकार से लिखना होता है, और साहित्य में स्थान। तो बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर बहुत ही सरल आंसर दिया गया है, तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से साहित्य में स्थान हो जाएगा और साहित्यिक विशेषताएँ हो जाएंगी, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। या फिर आप यहाँ पर कृष्णा सोक्ति का भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं, यह भी 100% पूछा जाएगा, इनकी दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से आपको कोई भी दो रचनाएं इनकी तैयार कर लेना है, और यहाँ पर भाषा शैली और साहित्य में स्थान, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं साहित्य में स्थान हो जाएगा और भाषा शैली हो जाएगा, तो तीन अंक में यह 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इसके बाद जो है चार अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, आप भावार्थ लिखिए। इस प्रकार से आपको एक पद्यांश दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो इस प्रकार से पहला महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ दिया गया है, प्रसंग और व्याख्या दी गई है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यह भी पूछा जाता है, एक पद्यांश दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका संदर्भ दिया गया, प्रसंग और व्याख्या दी गई है, तो बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर आंसर लिखा गया है, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद हम आरोह काव्यखंड के यहाँ पर हम प्रश्न देखने वाले हैं कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है आरोह काव्यखंड, इसमें से जो है एक एक अंक के 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लें। इस प्रकार से सबसे पहले सही विकल्प दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। यहाँ पर सत्य सत्य दिए गए हैं, और सभी सत्य सत्य के यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट में जो है सही जोड़ियाँ भी दी गई हैं, इस प्रकार से नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं, और इस तरफ जो है विकल्प दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर भी दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे। इसके बाद इस तरफ जो है रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है इसमें से 2 अंक में एक अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है,
इस प्रकार से चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है, इस प्रकार से अंतर दिया गया है। तो दो अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह क्वेश्चन जो है 100% पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल क्यों कहा गया, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि लता के गायन की दो विशेषता, 100% यह क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इस प्रकार से सुरीलापन, कोमलता और यहाँ पर मुग्धता, इस प्रकार से स्वरों में निर्मलता, तो कोई भी आपको इनकी दो विशेषताएं अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार से बहुत सारी विशेषताएं दी गई हैं, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद हम अभिव्यक्ति और माध्यम, तो इसमें से सबसे पहले 5 अंक में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक अंक के 5 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लें। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे इनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे इस प्रकार से, तो इनको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरफ जो है रिक्त स्थान भी दिए गए हैं और नीचे इनके आंसर दिए गए हैं, तो इनको आप सबसे पहले अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्य पूछे गए हैं और सही जोड़ियाँ, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं, सही जोड़ियाँ दी गई हैं और नीचे यहाँ पर इनके आंसर भी दिए गए हैं इस प्रकार से, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पर इसमें से इस प्रकार से 2-2 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनमें से जो है निम्नलिखित शब्दों को क्रम में लिखिए, इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से इसमें से, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, तो इसमें से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है इसको आप अच्छे से तैयार करें। यहाँ पर व्यक्तिक संचार और संचार में क्या अंतर है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। 2 अंक में यह क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर व्यक्तिक संचार से क्या आशा है, इसको आपको तैयार करना है। और संयुक्त व्यंजन, इस प्रकार से यह क्वेश्चन के संबंध में हिंदी वर्णमाला एवं शब्दकोश में क्या अंतर है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 4th क्वेश्चन पूछा गया है, शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर काव्यबोध के यहाँ पर प्रश्न देखने वाले हैं, तो सबसे पहले इसमें से जो है 5 अंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप इन सही विकल्प को अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रकार से इस तरफ जो है सत्य दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद सही जोड़ियाँ दी गई हैं, एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों के साथ साथ यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं, तो आप अच्छे से इनको तैयार करें। इसके बाद इसमें से जो है 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, संचारी भाव किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो है आपको शांत रस की परिभाषा अच्छे से तैयार करना है, इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुभव से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, यहाँ पर इसमें से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज़्यादा, रस तथा उसके स्थायी भाव लिखिए, और जितने भी रस हैं यहाँ पर रस के 10 अंग माने गए हैं, तो प्रत्येक का आपको स्थायी भाव अच्छे से तैयार कर लेना है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार को उदाहरण से समझाइए, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद आप रस के अंग अच्छे से ध्यान रखें, यह भी पूछा जाता है, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। इसके बाद संचारी भाव एवं स्थायी भाव में आपको अच्छे से अंतर तैयार कर लेना है, इस प्रकार से कोई भी आपको 2 अंतर अच्छे से ध्यान रखना है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर बताइए, यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पर माधर गुण और औज गुण में अंतर आपको तैयार करना है। इस प्रकार से उत्तर भी दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद हम भाषा बोध, तो भाषा बोध में से जो है इस प्रकार से दो दो अंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक एक अंक के पांच वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से यहाँ पर इनके प्रश्नों के साथ साथ यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं और इस तरफ जो है विकल्प दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट करें इस प्रकार से। और सही जोड़ियाँ भी दी गई हैं, इस प्रकार से इन खाली स्थान के नीचे आंसर भी दिए गए हैं और सभी सही जोड़ियों के जो हैं यहाँ पर नीचे इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं। तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे गए हैं और नीचे यहाँ पर इनके आंसर दिए गए हैं। इसके बाद जो है इसमें से दो अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार से मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर बताएं, इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है, निपात शब्द किसे कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है निपात शब्द और यहाँ पर परिभाषा भी दी गई है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपको दो अंतर अच्छे से तैयार करना है, इस प्रकार से यहाँ पर इनका आंसर भी दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो अंतर पूछा जाता है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, दो अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सार लेखन के आवश्यक निर्देश बताइए, तो यहाँ पर आपसे एक सार लेखन भी पूछा जाता है इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है कि पहला सुख निरोगी काया, इसका आपको सार लेखन लिखने को कहा जाएगा, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर तीन अंक में इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों को 75 शब्दों में लिखना होता है, तीन अंक में पूछा जाता है इस प्रकार से। जैसे पूछा गया है कि जो बैर है क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इसका आंसर आपको बताना है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं आंसर दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। यह क्वेश्चन जो है 100% जो है त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसको भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस प्रकार से इसको भी आपको पढ़ लेना है। और पांचवा है साहित्य समाज का दर्पण है, तीन अंक में है क्वेश्चन, इनमें से एक 100% पूछा जाएगा, तो इन तीनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है तीन अंक में संवाद लेखन पूछा जाता है कि कक्षा में विद्यार्थी तथा शिक्षक के बीच संवाद लिखिए, इस प्रकार से आपसे संवाद पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद किराना व्यापारी तथा ग्राहक के मध्य संवाद लिखिए, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, इस प्रकार से दिया गया है। या फिर आपसे इस प्रकार से अथवा में विज्ञापन लेखन कहा जाएगा, इस प्रकार से आपको एक फ़ोटो दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि विज्ञापन लिखिए इस प्रकार से, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना, इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इस प्रकार से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो अनुच्छेद लेखन में से एक अनुच्छेद लेखन पूछा जाता है तीन अंक में, तो आप भाषा और साहित्य का अच्छे से तैयार करें, जीवन में योग का महत्व, इनको आप अच्छे से तैयार करें। या फिर आपसे जो है महंगाई के ऊपर इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आपटित बोध में से आपको एक आपटित गद्यांश दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा, इस प्रकार से आपको एक आपटित गद्यांश दिया जाएगा और इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कोई भी दो या तीन प्रश्न दिए जाएंगे, इस प्रकार से तीन अंक में आपटित गद्यांश दिया जाएगा, तो इसको आप अच्छे से जरूर पढ़ें, यह महत्वपूर्ण है त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से।
इसके बाद दूसरा गद्यांश दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। इस प्रकार से नीचे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और तीनों प्रश्नों के यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से और भी गद्यांश दिए गए हैं और इसके अथवा में जो है एक काव्यांश पूछा जाता है। यदि आप गद्यांश नहीं आप पर बन रहा है तो आप काव्यांश को भी कर सकते हैं। इस प्रकार से काव्यांश पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पर इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से तीन अंक में एक काव्यांश और इसके अथवा में गद्यांश पूछा जाता है। इसके बाद जो है पत्र लेखन में से चार अंक आपसे एक पत्र पूछा जाएगा और उसके अथवा में एक आवेदन पत्र पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम महत्वपूर्ण सबसे पहले औपचारिक पत्र देखने वाले हैं, फिर इसके बाद हम अनौपचारिक पत्र देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस प्रकार से इसको आप अच्छे से तैयार करें कि स्वास्थ्य संचालक भोपाल को एक पत्र लिखिए जिसमें जिला अस्पताल में होने वाली अनियमितताओं का उल्लेख हो। इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। इस प्रकार से नीचे आंसर भी दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो आप वीडियो को रोक कर या फिर आप स्क्रीन शॉट लेकर इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि आपकी कक्षा दसवीं की अंक सूची खो गई है, अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्ति के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए। त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसको तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुच्छेद लेखन एवं निबंध लेखन, तो जो है चार अंक में आपसे एक निबंध पूछा जाएगा, इसके अथवा में आपसे अनुच्छेद लेखन पूछा जाता है। तो निबंध लेखन में आपको कौन कौन सा निबंध अच्छे से तैयार करना है, तो इसमें से सबसे पहले आपको पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व और यहाँ पर विज्ञान के चमत्कार, इन तीनों निबंधों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तीनों में से जो है एक 100% पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ सकते हैं।